भाई और बहनों आज गुजरात को जो तीसरा उपहार मिला है उससे आस्था और पर्यटन दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं गोरथनाथ शिखर भी है गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है यहां के हजारों सीढ़ियां चढ़कर जो शिखर पर पहुंचता है वो अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव करता है अब यहां विश्व स्तरीय रोप वे बनने से सबको सुविधा मिलेगी सबको दर्शनों का अवसर मिलेगा अभी तक मंदिर तक जाने में जो पांच पांच सात सात घंटों का समय जगता था वो दूरी अब रोपवे से सात आठ मिनट में ही तय हो जाएगी रोप पे की सवारी एडवेंचर को भी बढ़ाएगी उत्सुकता भी बढ़ाएगी इस नई सुविधा के बाद यहां ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे ज्यादा पर्यटक आएंगे साथियों आज जिस रोप की शुरुआत हुई है वो गुजरात का चौथा रोपवे है बनासकांठा में मां अंबा के दर्शन के लिए पावागढ़ में सतपुड़ा में तीन और रोप पहले से काम कर रहे हैं अगर गिरनार रोप में रोड़े न अटकाए होते तो यह इतने वर्षों तक अटका नहीं होता लोगों को टूरिस्टों को इसका लाभ बहुत पहले ही मिलने लग गया होता एक राष्ट्र के रूप में हमें भी सोचना होगा कि जब लोगों को इतनी बड़ी सुविधा पहुंचाने वाली व्यवस्थाओं का निर्माण इतने लंबे समय तक अटका रहेगा तो लोगों का कितना नुकसान होता है देश का कितना नुकसान होता है अब जब ये गिरनार रोप पे शुरू हो रहा है तो मुझे खुशी है कि यहां लोगों को तो सुविधा मिलेगी ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी अधिक अवसर मिलेंगे